नमस्कार दोस्तों, मैं profitwithus.com के लाइव ट्रेडिंग रूम में दोबारा से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज की 5 जनवरी और हम लोगों को दोबारा और के का भी ट्रेड मिला है, ठीक है। पिछले वाले ट्रेड में हमें लॉस हुआ था 21 पॉइंट्स का, भी हमें दोबारा एक बार बाइंग ट्रेड मिला है। देखते हैं G6JN22 मुझे डालना है दोस्तों, एक्सट्रीमली सॉरी, 22 का ही आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट और वीडियो में दिखा रहा हूँ। 3627 पर मुझे बाइंग कॉल मिला है दोस्तों, 4:02 पे कॉल ऑर्डर बनी है 3627 और 27 का ही हाई है जैसे आप देख सकते हो। ऑर्डर अभी मैंने पेंडिंग में डाल दिया, एग्जीक्यूटेड हो चुकी है दोस्तों। देखिए अभी 3627 की ऑर्डर लग चुकी है 4:10 पे, 10 मिनट के अंतराल में, ठीक है दोस्तों। कुछ लोगों का सवाल था कि ये आपका 5-1 मिनट में तो आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाती है, आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए तो इतना समय लगता है, फिर आप 5-1 मिनट के अंदर कैसे बोल देते हैं, इतने कम समय के अंदर कैसे बोल देते हैं। दोस्तों मैं ऑर्डर जब लगाता हूँ तब रिकॉर्ड होता है, ऑर्डर जब एग्जीक्यूट होती है उसके बाद में रिकॉर्डिंग चालू होता है। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर मैं दिन भर अगर शुरू रखूँ तो 11-12 घंटे के वीडियोज बनेंगे, जो देखने में आपको भी मजा नहीं आएगा और मुझे भी मजा नहीं आएगा, है ना। इसको बताने के पीछे का हेतु सिर्फ और सिर्फ यही है दोस्तों कि आपको पता लगे कि एक्चुअल ट्रेडिंग की जा सकती है और प्रॉफिट निकाला जा सकता है। तो सभी मेरा एशल लगाना पड़ेगा क्योंकि ट्रेड लग चुका है, तो पहले मैं एशल लगा देता हूँ। 4:11 हो रहे हैं, 4:10 पे ट्रेड लगा था G6JN22 राइट, और इसका एशल मुझे कैरी फॉरवर्ड में लगाना है क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे आज आएगा कल आएगा या परसों आएगा। 3554 का इसका एशल है दोस्तों, 27 पे हम लोगों ने बाय किया, 3594 सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, GTC की ऑर्डर रख रहा हूँ, 3594 की ऑर्डर SL, ठीक है बाय किया है, सेलिंग ऑर्डर मैंने लग चुके 3594 एंटर। अभी एक बार मैं टारगेट ऑर्डर भी लगा देता हूँ G6JN22 SL में तो है ही, वो पहले से कैरी फॉरवर्ड में कर देता हूँ 3660। दोस्तों आज इन्वेंट्री है 5 तारीख के, बोले ना कि आज इन्वेंट्री है शाम में, है ना। 3660 वैलिडिटी GTC टोटल लॉट 13660। दोस्तों आपको एट द एंड ऑफ द टाइम देखना है, 3660 का ऑर्डर है, 3660 एंटर सबमिट और एंटर ओके यस। दोस्तों देखिए आप ट्रेड बुक में देख लीजिएगा G6JN22 ओके, G6JN22 3627 पे हम लोगों ने बाय किया था, 5051 का भी ऑर्डर चल रहा है, 5 बज गए लगभग 1 घंटा हो गया है और ये पेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है आपको, अभी तक नहीं हमारा SL ट्रिगर हुआ ना ही हमारा टारगेट आया है, ठीक है ये आप देख सकते हो 49, 50, 51 का अभी हाई लगा है दोस्तों। दोस्तों वीकेंड में क्या मिलता है उसके ऊपर मैं सभी चीजें निर्भर करती है। पिछले ट्रेड में हमें 2100 रुपए का लॉस हुआ था, अभी इस ट्रेड में देखते हैं क्या होता है। 50, 51 दोस्तों आज इन्वेंट्री है बस 58 दोस्तों, 58, 59 का हाई लगा, लेकिन अभी हम लोग का हमारा टारगेट नहीं दिया है, मुझे लगता है एक बार का हमें ऑर्डर को मॉडिफाई करने की जरूरत है, एक बार मॉडिफाई कर लेता हूँ ठीक है। 3657 की ऑर्डर लगा लेते हो पेंडिंग, 3657 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुकी है दोस्तों ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुकी है ठीक है। और अब मैं जो पेंडिंग ऑर्डर है इसे भी कैंसिल करता हूँ, 3657 - 3627 30 दोस्तों 662 चला गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने जल्दी निकाल ली, 30 पॉइंट्स हम लोगों ने पकड़ लिए। पिछले ट्रेड में 21 पॉइंट्स हमारे माइनस गए थे, यानी कि इस ट्रेड में दोबारा हम लोगों को 9 पॉइंट्स प्लस मिल गए
और ये ऑर्डर बुक एक बार आप दोबारा देख लीजिएगा, हम लोगों ने 3627 पे बाय किया, 3594 का एशियन लगाया और 3657 का हम लोगों को टारगेट मिला। एक्चुअली टारगेट 60 पॉइंट्स का था, ठीक है, हम लोगों ने 3 पॉइंट कम टारगेट लिया क्योंकि आज इन्वेंट्री और मैं कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहता था। मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक आधे पॉइंट से हमारा टारगेट मिस हो गया और फिर वहां से नीचे आकर के हमारा एशियन ले लिया। मार्केट में वोलेटाइल हो चुका है मार्केट। 5 जनवरी का रिजल्ट आप देख सकते हो, G6JN22 4:09 पे ऑर्डर लेके बाइंग की 3627 और 5:30 पे ऑर्डर एक्सिक्यूट हो गई टारगेट के स्वरूप में, प्रॉफिट के स्वरूप में। प्रॉफिट कितना मिला जरा एक बार का हम लोग अभी वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स में दिख रहा है, यानी कि ट्रेड बुक में दिख रहा है। दोस्तों आपको कोई नहीं दिखाएगा, सभी यूट्यूब चैनल खंगाल लीजिएगा, लोग आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल स्ट्रेटेजीज बताएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ पेपर पर मुमकिन है। एक्चुअल ट्रेड कर करके आपको कोई नहीं दिखाएगा दोस्तों, क्योंकि उतनी हिम्मत ही नहीं है किसी में, है ना, क्योंकि उनको डर है कि लॉस हो जाएगा, उनको खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो लोग ट्रेड कर करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी आपके सामने लाने से पहले साल भर इसके ऊपर मैं एक्चुअल ट्रेडिंग हुई है मेरी तरफ से, ठीक है। मैं कोई भी चीज ऐसे ही नहीं प्रमोट करता। G6JN22 प्रॉफिट ओवरऑल 3000, इसमें से ब्रोकरेज वगैरह कटेगा, मैं थोड़ी देर बाद आपको अकाउंट स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, ठीक है, कि तो ओवरऑल इस पूरे वीक का परफॉर्मेंस क्या रहा है। ये देखिए मैं आपको अकाउंट स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ। ओके, मेरा ब्रोकर आप सभी लोग अभी परिचित हो ही चुके होंगे, JWC India.in, राइट। इस पर हम लोग आते हैं लॉग इन में, आपको हमेशा अकाउंट स्टेटमेंट दिखाता हूँ दोस्तों, अकाउंट स्टेटमेंट दिखाने वाला भी और कोई नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये भी बात पक्की हो गई, ये भी अकाउंट स्टेटमेंट भी कोई और नहीं दिखाता है, राइट। ये बैक ऑफिस में फाइनेंशियल लेजर G6JN22, राइट। ये मैं इसे गो कर देता हूं। ये देखिए दोस्तों 4 जनवरी से हम लोगों का काम कुछ चालू हुआ है। पहला ट्रेड कितने तारीख को हुआ था, जब तक कि आप लोग जानते हो 3 तारीख को, ठीक है। उसके बाद में 4 तारीख को और एक एक ट्रेड हुआ और 5 तारीख को भी और एक ट्रेड हुआ, लेकिन ये 3 तारीख को जो ट्रेड हुआ उसका जो भी पैसा जमा हुआ वो 4 तारीख को जमा हुआ है, ठीक है। वो कितना जमा हुआ है देखेंगे आपको, पहले आप ये देख लीजिएगा, ठीक है, और ये बिल चेक नंबर, ठीक है। और 5 तारीख को जो भी जमा हुआ वो 4 तारीख के ट्रेड का जमा हुआ है, मतलब ट्रेड जो हुआ है। अब वो डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये क्रेडिट का है और ये डेबिट का है, ठीक है। तो 3 तारीख के जिनका ट्रांजेक्शन डेट देखिए, 3 तारीख को ट्रांजेक्शन होने की ट्रेड हुआ और उसका पैसा 4 तारीख को जमा हुआ, वो तो 6337, 65 पॉइंट्स हम लोगों ने पकड़े थे, ऊपर के कुछ पॉइंट्स हमारे चले गए, राइट, और इतने पॉइंट्स हम लोगों को मिल गए। हम लोगों का जो पहले बैलेंस था 1,01,194 वो हुआ 1,07,531, राइट, 7% की ग्रोथ। और 4 तारीख को जो लॉस हुआ था, जो मैंने आपको वीडियो भी उसका अपलोड किया है, ठीक है, उसमें 21 पॉइंट्स हमारे गए थे, लेकिन ब्रोकरेज मिला करके 2,258 हम लोगों का डेबिट हुआ है। जो आप लोगों को जो बैलेंस दिखा रहा है वो है 1,05,243। हम लोग देखते हैं दोस्तों इस मंथ के एंड में, यानी कि 31 दिसंबर तक हम लोग इस बैलेंस को कहां तक पहुंचा सकते हैं, या कुछ माइनस हो जाता है देखते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। आज का ट्रेड का जो प्रॉफिट हुआ ये अगले अकाउंट स्टेटमेंट में आपको दिख जाएगा। यहाँ से आगे आप पूरा फॉर्मेट समझ लीजिएगा, मैं रोज के जितने भी मेरे ट्रेड्स हो रहे हैं वो ट्रेड्स में अपडेट करवाऊंगा। उसके बाद में मंथ वीकेंड में एक अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट होगा, उस अकाउंट स्टेटमेंट में हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे कि कितने पॉइंट्स मिले हैं, उसे फिर ट्रेडिंग वर्किंग डेज में डिवाइड करेंगे कि पर डे का एवरेज कितना हुआ, उससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। दोस्तों ट्रेडिंग अगर करनी है तो इसी तरीके से करनी पड़ेगी और दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है, यही एक सोल्यूशन है अगर आपको अपने मेंटल प्रेशर कम रख करके। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर आपके आपको अगर मेंटल प्रेशर अगर कम है तो ऑटोमेटिकली आपके डिसीजंस अच्छे रहेंगे, अच्छे साबित होंगे लिए हुए डिसीजंस, ठीक है। तो मेंटल प्रेशर को कम करवा करके इस तरीके से यही सिस्टम के जरिए अगर आपको भी ट्रेडिंग करना है वीकली 7,000, 7%, 8% अगर आपको गेन करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट करें। और हाँ, यही एक में वैसा एकमात्र ऐसे चैनल है makeprofitwithus.com,
जहां पर आपको एक्चुअल ट्रेड्स दिखाए जाते हैं, स्टॉप लॉस अगर हुआ किसी ट्रेड का तो वो भी दिखाया जाता है, प्रॉफिट अगर हुआ तो वो भी दिखाया जाता है, आपको सिखाया जाता है इसी तरीके के प्रॉफिट को अपने अकाउंट में किस तरीके से डुप्लीकेट करना है। तो ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको भी यही तरीके का इसी ऐसा ही स्ट्रैटेजी अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत मुझे कॉन्टैक्ट करो और इस स्ट्रैटेजी को 5000 रुपये में अपना बनाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि ट्रेडिंग में नुकसान कर रहे हैं, जो कि अपने ट्रेडिंग परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, जिनका काफ़ी लॉस हो रहा है, तो ये वीडियो हम उन्हीं सब लोगों को हेल्प करने के लिए बना रहे हैं। व्हाट्सएप के जरिए शेयर करिए, फेसबुक के जरिए शेयर करिए, जितने भी लोगों को आप बताओ कि जितने ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँचेंगे, और हम लोग ज़्यादा लोगों तक आप ही के जरिए पहुँच सकते हैं दोस्तों। आपके जितने भी जो भी दोस्त हैं जो अगर ट्रेडिंग में लॉस करवा रहे हैं तो उन्हें आप बताइए, और अगर आपके आपने रिकमेंड किया हुआ कोई अगर रिकमेंडेशंस अगर हमारे पास में आती हैं, ठीक है, तो आपको भी एक अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए दोबारा एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं दोबारा। थैंक यू।